हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे रेसलर की जो कि रेसलिंग की दुनिया में अलग ही मुकाम पर है। यू तो बहुत से ऐसे रेसलर हैं बट इन्होंने बहुत ही कम समय में जल्दी अपना नाम सक्सेसफुल सुपरस्टार की लिस्ट में दर्ज करवा लिया है। मैं बात कर रहा हूँ द आर्किटेक्ट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले एक बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। सेथ रॉलिंस आधे जर्मन और आधे आयरिश मूल के हैं। सेथ रॉलिंस ने इस नाम को चुनने के पीछे वजह बताई है अपने पसंदीदा बैंड ब्लैक फ्लैग के ओनर हेनरी रॉलिंस को। ये नाम उनसे लिया है और इसमें सेथ शब्द उनको श्रद्धांजलि के लिए यूज किया है। सेथ रॉलिंस ने महज 14 साल की उम्र में रेसलिंग मूव सीखने शुरू कर दिए थे, वो भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। अपनी मेहनत और लगन के चलते इसके 3 साल बाद में 17 साल की उम्र में सेथ रॉलिंस ने गिग्स नाम के तहत 2003 में स्कॉट काउंटी रेसलिंग SCW में अपना पहला मैच लड़ा। सेथ रॉलिंस का रियल नाम कॉल्बी डेनियल लोपेज है। इनका जन्म 28 मई 1986 को यूनाइटेड स्टेट्स के आयोवा में हुआ। ये आज 31 साल के अमेरिकन रेसलर और पार्ट टाइम एक्टर हैं और ये WWE के रॉ ब्रांड के लिए खेलते हैं। इनकी हाइट 6 फीट है और वजन 98 किलोग्राम है। इनके फेवरेट रेसलर शॉन माइकल हैं और इनके पसंदीदा म्यूजिशियन ब्लैक फ्लैग बैंड के हेनरी रॉलिंस हैं। इनको फुटबॉल खेलना पसंद है और इनकी फेवरेट मूवी फाइट क्लब है। इनकी हॉबी की बात करें तो वीडियो गेम्स खेलना और म्यूजिक सुनना इन्हें पसंद है। इनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा WWE में मनी द बैंक जीत के उसको कैश करके WWE चैंपियनशिप जीतना। सेथ की शादी नहीं हुई है बट इनकी पूर्व मंगेतर लेगला स्कल साल 2013 से 2014 तक रही। उसके बाद साल 2015 में इनकी गर्लफ्रेंड पूर्व NXT रेसलर जहरा श्रेबर रही, जिनसे भी ब्रेकअप हो चुका है। सेथ साल 2005 से 2009 में काफी रेसलिंग कंपनी से जुड़े, जिसमें NWA में वो कामयाब टैग टीम चैंपियन भी रहे। उन्होंने सिंगल मैच में AJ स्टाइल का भी सामना करा था। इसके बाद वो जुड़े TNA से, यहाँ भी वो एक सफल रेसलर रहे और टैग टीम के रूप में भी नाम कमाया। सितंबर 2007 में वो रिंग ऑफ ऑनर ROH से जुड़े, या उन्होंने दो और रेसलर के साथ मिलके द एज ऑफ द फॉल के नाम से टीम बनाई, जिसने ROH में अलग नाम बनाया। सितंबर 2009 में सेथ रॉलिंस के गर्दन की सर्जरी भी हुई थी। वापसी के बाद सेथ ने पहले दौर के मैचों में केनी किंग, कोल्ट काना, रॉड्रिक स्ट्रॉग और क्रिस हीरो को हराया, जिससे उन्हें ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिला। ये मैच 60 मिनट चला और ड्रॉ रहा। ROH के मालिक ने फरवरी 2010 में फिर रीमैच रखा और इस मैच में सेथ रॉलिंस ROH वर्ल्ड चैंपियन बने। आखिर वो दिन आया जब साल 2010 में सेथ रॉलिंस को WWE ने डेवलपमेंट फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग FCW के लिए साइन करा। सेथ रॉलिंस पूर्व सुपरस्टार इवान बॉर्न का धन्यवाद करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने सेथ की सही प्लेटफॉर्म चूज करने में बहुत बड़ी मदद करी थी। जब उन्हें ROH और TNA से ऑफर था, तब इवान ने उन्हें WWE चुनने को कहा था। सेथ FCW में अपना पहला मैच हारे थे। उसके बाद FCW में उनकी फ्यूड हिकोको, रिची स्टीमबोट और जिंदर महल के साथ देखने को मिली। इसके बाद वो FCW चैंपियन रहे। रॉलिंस ने स्टीमबोट के साथ मिलकर डेमियन सेंडो और टाइटस ओनील को हराकर FCW टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। यहाँ वो डीन एम्ब्रोस के साथ भी फ्यूड में रहे। इसके बाद WWE ने FCW को NXT में ब्रांड करा। यहाँ ये फर्स्ट NXT चैंपियन रहे। ये टाइटल इन्होंने करीब 5 महीने तक अपने पास रखा। सेथ ने WWE आकाश साल 2012 में बतौर शील्ड मेंबर के रूप में डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस के साथ मिलकर सर्वाइवर सीरीज में करा। इन तीनों की टीम ने WWE में एक अलग मुकाम बनाया। शील्ड के शिकार WWE के काफी रेसलर बने। शुरुआत में काफी मैचेस में शील्ड को हराना नामुमकिन सा साबित हुआ। शील्ड की सबसे जबरदस्त फ्यूड एवोल्यूशन के साथ रही, जिसके मेंबर WWE CEO ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा थे। शील्ड ने एवोल्यूशन को WWE के 2 PPV एक्सट्रीम रूल और पेबैक में हार का स्वाद चखाया। ये WWE की सफल टैग टीम में से एक रही। साल 2014 तक सेथ रॉलिंस इसका हिस्सा रहे। इसके बाद बटिस्टा एवोल्यूशन छोड़ के जा चुके थे और ट्रिपल एच ने शील्ड से बदला लेने के लिए 2 जून 2014 को रॉ के एक एपिसोड में प्लान बी बता के शील्ड को सेथ रॉलिंस के जरिए तोड़ा। शील्ड की जबरदस्त फैन फॉलोइंग इस सब से खासी नाराज थी। अब सेथ के करियर ने नया मोड़ ले लिया। वो अथॉरिटी से साल 2014 से 2015 तक जुड़े रहे। इस टाइम वो डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड में भी देखने को मिले। इंजरी के बाद अथॉरिटी से अलग हुए तो साल 2016 में इनकी फ्यूड ट्रिपल एच से देखने को मिली। इनकी फ्यूड का अंत रसलमेनिया 33 में सेथ रॉलिंस की जीत के साथ खत्म हुआ। आजकल सेथ अपने शील्ड के पुराने साथी डीन एम्ब्रोज के साथ टैग टीम के रूप में रॉ ब्रांड में काम कर रहे हैं। बात करें सेथ रॉलिंस के फिनिशिंग मूव, सिग्नेचर मूव और अचीवमेंट्स की। फिनिशिंग मूव में रिपकॉर्ड नी, सिग्नेचर मूव में डाइविंग डबल फुट स्टॉम्प, डाइविंग समरसॉल्ट नेक ब्रेकर, कॉर्नर फोरआर्म स्मैश, सुसाइड डाइव, टर्न बकल, पावर बम है। अचीवमेंट्स में WWE टैग टीम चैंपियनशिप 1 बार, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप 1 बार, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप 2 बार, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, WWE 2K18 वीडियो गेम्स के कवर पे फोटो, 2013 में PWI मैगजीन की तरफ से रोमन के साथ बेस्ट टैग टीम का अवार्ड, साल 2014 में अवार्ड बेस्ट फ्यूड ऑफ द ईयर विद डीन एम्ब्रोज। तो ये थी सेथ रॉलिंस की लाइफ और करियर से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो लाइक मारो। इस तरह की WWE अपडेट्स हिंदी में पाना चाहते तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे सेथ रॉलिंस के सारे फिनिशिंग मूव मार के चैनल सब्सक्राइब करो और घंटा बटन दबाएं। थैंक यू।